When I thought of becoming an actor, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी ना कि यार अटेंशन मिलेगा और लड़कियों का ध्यान अपनी तरफ आएगा. हाँ बिल्कुल, लड़कियों से मिलने को लड़कियाँ. लेकिन इन द प्रोसेस हुआ क्या कि जब आप ड्रामा स्कूल गए एंड जब पहली बार आपको पता चला कि एक्टर बनने के लिए आपको अपने आप को स्टडी करना पड़ता है, आप जो है इतने इन्फ्लुएंसेस से बने हुए हैं, आप देन सडनली अनरेवलिंग ऑफ योर सेल्फ, देन यू नो दूसरी चीज़ें धीरे धीरे इंपॉर्टेंट हो गई. जस्ट टू एक तो कि अटेंशन आपको मिलेगा वो चीज़ थी, लेकिन उसके साथ जो नया एक चैप्टर ऐड हुआ टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ वॉज आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई एम इन दिस प्रोफेशन सो दैट आई कुड स्टडी माई सेल्फ. अदरवाइज अगर मैं कोई और प्रोफेशन में होता तो मेरा ध्यान कभी इस पर जाता ही नहीं कि एक ऐसी भी चीज़ होती है जहाँ आपको अपने आप को देखना Absolutely. होता है और सोसाइटी को देखना होता है, आपको यू नो एक ऑब्जेक्टिविटी देख नज़र से आपको और ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ आपको देखना होता है. बिल्कुल, दैट इज समथिंग आई एम रियली रियली ग्रेटफुल. एंड इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जितना मुझे जो कुछ मैंने सीखा है ज़िंदगी में, क्योंकि स्कूल में मैंने खाक नहीं सीखा अलावा शेक्सपियर के कुछ नाटकों के बारे में, जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ मुझे मालूम है दुनिया के बारे में, इंसानों के बारे में, रिश्तों के बारे में, फलसफे के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, इट इज़ ऑल थैंक्स टू द ड्रामा विच आई हैव रेड, जिससे मेरा तारुफ हुआ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कुछ टीचरों के हाथों और NSD जाकर. माई एंटायर लर्निंग अबाउट लाइफ एंड एवरीथिंग इज़ ड्यू टू माई वर्क एज एन एक्टर, ड्यू टू द लिटरेचर दैट आई हैव हैड टू रीड इन द कोर्स ऑफ माई करियर. शुक्र मनाता हूँ कि सिर्फ हिंदी फिल्मों तक मेरी ज़िंदगी का दायरा महदूद नहीं रहा है, और मैं दुआ करता हूँ अपने बच्चों के लिए कि वो अगर अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ बामानी करना चाहते हैं तो खुदा न करे कि वो बॉलीवुड में स्टार बने. मेरी उनकी ये के लिए ये दुआ है, बिकॉज बीइंग अ स्टार इन बॉलीवुड आई थिंक इज़ अबाउट द मोस्ट लिमिटिंग थिंग, द मोस्ट इंसुलर थिंग दैट कैन हैपन टू यू. तो आप खुद को स्टार नहीं मानते? नहीं, मैं बिल्कुल अपने आप को नहीं मानता, एटलीस्ट मैं स्टार के उन ट्रैप्स में नहीं फंसा हूँ. लेकिन जैसे मुझे एक चीज़ लगती है विच इज़ अ मिस्टीरियस थिंग, जैसे ऐसा कैसे होता है कि जब एक स्टार पैदा होता है तो उसी तरह का राइटर भी पैदा हो जाते हैं, उसी तरह का यू नो डायरेक्टर भी पैदा हो जाते हैं. जैसे आप जब आए सिनेमा में तब कोई दूर दूर तक कोई रेफरेंस नहीं है, बट मे बी इट्स योर कन्विक्शन विच क्रिएटेड दैट काइंड ऑफ यू नो एटमोसफियर, और इट्स नॉट यू नो यू नेवर नो. एक बॉलीवुड का स्टार बनने वाला आदमी कोई एक नई सेंसिबिलिटी लेके अंदर घुसता है बॉलीवुड में, एंड देन ही क्रिएट्स अ सर्कमस्टेंसेस विच सडनली चेंज द यू नो द फेस ऑफ सिनेमा. वेल इट हैजंट हैपेंड येट, इट हैजंट हैपेंड येट, दो वी हैव हैड अनयूजुअल पीपल बिकमिंग स्टार्स, बट सूनर और लेटर आई थिंक द प्रेशर्स दैट दे हैव टू कोप विद आर टू मच. Or phir individuality express. Then how the Hollywood cinema could do it so successfully? I think we can reach there. Well, I think see ek to baat ye hai ki we have always aped Hollywood cinema, but we have always aped only the superficialities. Right from our silent cinema days, you will find our heroes with felt hats and thin mustaches, wearing trench coats and smoking a cigarette stylishly. You will find European ladies who were playing the lead. Parsi ladies or Maharashtrian ladies who could pass off as European. When movies became talkies, we were either making mythologicals or we were copying Shakespeare's plays. So we have always aped the superficialities of Hollywood. The difference is that though Hollywood was created and run and nurtured by the Jewish community, largely, who loved money, they also loved movies. They knew how to milk the audience, but they also have created masterpieces in the 30s and 40s and 50s. I mean, you see a film like Singing in the Rain, which uses all the formulae of the popular cinema, and it is an absolute masterpiece. It is a very profound film, and it's a very deep film. It's probably the best film ever made about filmmaking. So these kind of films are also produced, along with the Ben-Hurs and Ten Commandments and all these things. Here we had people who were basically money grubbers, who had no love for movies. The love was only for multiplying their investments.
and we still continue to ape the superficialities of Hollywood. Because the editing has gotten better and the photography has gotten better, we believe that we are making world-class cinema today. What are the stories we are making? Still, I mean, utterly embarrassing stuff. Good editing and good cinematography does not make a film technically brilliant, as we all seem to believe. So I think we are really like light years behind the rest of the world. If you see the movies made in Brazil, in Poland, in Iran, in Korea, in Thailand, and look at our movies. The thing is, I want to believe in the mystery of life and, you know, possibility that I cannot see the future. And the way things are changing now, and the way audience is forcing the industry to give us content, this is the first time it has happened that the audience is ready, but the industry is not ready. Absolutely. In fact, I've always felt that blaming the audience is wrong. And the industry claims... Because we are watching this kind of cinema and the audience is also accepting. Exactly. The audience has never rejected a good film today. The filmmakers say that we are making this waste because the audience needs it. No, that's absolutely wrong. I think what Irfan is saying is quite right, that the audience is ready, the filmmakers aren't. The talent is lagging behind. It doesn't happen in any industry that the people who are buying money are not buying money. Hey, buy it now. So, yeah. It's like the shopkeepers in Pune. Or you ask, "Wo sari kitne ki hai? Tumhare liye nahi hai." Ji. Aapse ek dusre ke sabse pasandida kirdar ke baare mein janna chahenge. Aap pehle, Naseer sir ka kaun sa kirdar जो शायद अकेले में कभी करने की कोशिश भी की हो? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरे लिए तो मैं जब देखना शुरू किया तो भूमिका में वो क्या कर रहे थे पीछे मुड़ के, ऐसे भी उनका मतलब ही वाज बैक द कैमरा, बट आई कुड फील की हिज प्रेजेंस ऑल ओवर द स्क्रीन, दैट ही वाज एमिनेटिंग समथिंग, यू नो, दैट ही वाज लाइफ. हाँ, आई विल पुट इट राइटली, ही आई फेल्ट दैट स्पॉन्टेनियस एंड लाइव, दैट ही इज अलाइव इन. Everything is constructed, but he's alive. There's some sense of spontaneity. And that's what attracted me. And that's what attracted me in one of the films in Dilip Kumar also. He did some double take. And that had never happened, you know. Wo unko ghusa lagta hai aur wo yun karke kuch aisa karte hain. Ye kya tha? So that spontaneity suddenly came out of that whole structured story. Suddenly it came out to you and it hit you like a boom. And so when I watched his Bazaar, main फिल्म खत्म हुआ, मैं वापस निकला बाहर, टिकट लिया, फिर गंदा घुस गया, फिर टिकट लिया, फिर अंदर घुस गया. तो तीन बार मैंने वो फिल्म देखी थी. आई स्टिल रिमेंबर दैट, यू नो, ये खड़े होके बोलते हैं कि पेनी, व्हाट वाज दैट डायलॉग, यू नो, यूज्ड. सो ही इज क्रिटिकल अबाउट इट, बट हमारे लिए वो सारी परफॉर्मेंसेज, यू नो, बहुत, यू नो, इट वाज फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग परफॉर्मेंसेज. Masoom, and then, you know, Meera Nair's film, and then Katha, and Kaya, blind wala performance tha. Sparsh. Maine wo nahi dekha, Suar Bagane wala. Acha. Wo bhi nahi dekh paya, but baki, I have seen everything, and I cannot really pinpoint one, you know. It's the blind wala mohra bhi yaad aata hai, aur isiliye main ye puchna chahti hu. कि कई दफ़ा आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बोल दिया कि बहुत एम्बैरेसिंग और ये फिल्म मेकर्स, ये आपको जब कोई ऐसा डायलॉग्स, आपके अभी हाल फिलहाल में भी काफ़ी कुछ सुना, गाना तो उलाला रहा, ओए ओए रहा, लेकिन उस सब के बीच कई ऐसी लाइनें जो लगता था कि नसीर सर के जुबान से निकल रही हैं, ये चीज़ें. क्या है वो, पैसे जब आ जाते हैं ना तो डायलॉग निकल आते हैं. जैसे किशोर दा के बारे में मशहूर था किशोर कुमार साहब के, पैसे नहीं आए तो उनका गला खराब हो जाता. और इरफान की परफॉर्मेंसेज मुझे, अगेन आई हैव डिफिकल्टी पिन पॉइंटिंग माई फेवरेट. आई लव्ड हिम इन मकबूल विथ स्लाइट रिजर्वेशंस, व्हिच आई हैव टोल्ड हिम अबाउट. आई थॉट ही वाज फैंटास्टिक इन पान सिंह तोमर, तलवार,
आपने देखी तलवार? हाँ देखी। मैं तो बुलाता नहीं हूँ कि आप बोले गाली देंगे कि यार ये क्यों टाइम वेस्ट किया मेरा। नहीं, 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 मैं हर फिल्म दिखाना चाहता हूँ लेकिन मुझे लगता है यार वो नहीं आ सका मैं उसके लिए, सॉरी। और उसके लिए तुमने मुझे मदारी देखने नहीं बुलाया। मुझे हमेशा ये डाउट रहता है कि आपको आप बोले यार टाइम वेस्ट कर दिया। नो बट आई टेल यू व्हेन आई थिंक ऑफ इरफान आई थिंक ऑफ अ वेरी स्मॉल रोल ही डिड इन अ फिल्म कॉल्ड प्राइवेट डिटेक्टिव जो किसी ने नहीं देखी, किसी ने नाम भी नहीं सुना उस फिल्म का। रजत कपूर की पहली फिल्म थी वो, काफ़ी बुरी थी माशाल्लाह। और इरफान का उसमें एक बहुत छोटा रोल था ऑफ अ कॉप आई थिंक। एंड आई मीन टू मेक एन इम्पैक्ट लाइक दैट इन अ रोल ऑफ दैट साइज इट रियली सेज समथिंग अबाउट द एक्टर। व्हेन आई केम टू बॉम्बे एंड आई वाज यू नो आई वांटेड टू वॉच हिज रिहर्सल्स एंड आई वांटेड टू गो एंड वॉच हिज रिहर्सल्स। सो एक ही बार मैं गया। क्या होता है ऐसे लोगों के साथ, जैसे अमिताभ बच्चन जब आए तो मेरे मुझे याद है 10 लोगों में से 8 लोग जो है अमिताभ बच्चन बन चुके थे। वो वैसे ही उनके बाल हो गए थे, वही बात बात में गुस्सा हो जाते थे, जबड़े हिलाते थे, यू नो ऐसे ही नसीर साहब के साथ था। नसीर साहब की परफॉर्मेंस देख के आधे थिएटर के लोग मैंने नसीर साहब टर्न हो गए थे, नसीर साहब के साथ बात करने लगे थे। नो वो मैनरिज्म यू कैन नॉट यू अट्रैक्टेड टू दैट मैनरिज्म एंड आप वो बन जाते हो, फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा बहुत मन करता था कि मैं इनकी रिहर्सल देखने जाऊं, लेकिन मुझे पता था कि मैंने अगर ज़्यादा देख लिया इनको तो इनके चंगुल से निकलना मुश्किल हो जाएगा। यू नो इसमें आई स्टार्ट टॉकिंग टू हिम द वे ही स्पीक्स हिज लाइंस एंड दैट्स व्हाट यू नो आई मिस्ड एंड अब मैं जा सकता हूँ। थिएटर में आओगे कभी वापस कि नहीं, ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं थिएटर में मैं अभी बहुत कोशिश नहीं आओगे नहीं नहीं आप सुनिए सही मेरी बात। मैं थिएटर में मुझे एक्टिंग को कुछ एक्सप्लोर करने के लिए नहीं आना। मैं अभी एक कोशिश कर रहा था कि मैं जो गांधी जी की लेटर्स नहीं नहीं उनकी उनकी जो किताब है हिंद स्वराज उसको किसी तरह से प्रसन्नता चाह रहे थे। मैं कुछ थिएटर में आके कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझे थिएटर में आके एक्टिंग को एक्सप्लोर नहीं करना है। मुझे थिएटर में इसलिए आना है कि मैं थिएटर में आके कुछ और बात कर सके। हाँ, तो जो बहुत रिलेवेंट हो। बहुत सारे टेक्स्ट हैं यार जो कर सकते हो। आई टोटली एग्री विद यू। बिल्कुल बात कहने की जो कि फिर आपको महीने भर डेढ़ महीना आपको इन्वॉल्व रखे उस बातचीत में, वो बात इतनी इंपॉर्टेंट हो कि जो वो जलती रहे। वो थिएटर एक स्टोरी होती है, उसमें ना एक्सप्लोर करते हो आप एक पॉइंट तक, उसके बाद कुछ नहीं रह जाता। अगर एक डायलॉग हो रहा है और वो इंपॉर्टेंट रिलेवेंट डायलॉग हो रहा है अबाउट टाइम्स इन विच वी आर लिविंग इन, इफ देर इज समथिंग विच आई वॉन्ट टू यू नो इंटरैक्ट विद ऑडियंस आई वुड डेफिनेटली कम। हमने एक्चुअली स्क्रिप्ट तक लिख ली थी प्रसन्ना ने, वो आए 3-4 दिन 5 दिन हम बैठे भी साथ में, लेकिन मुझे लगा कि अभी हम गांधी जी के थ्रू ऑडियंस को कुछ पकड़ने के लिए नहीं दे रहे हैं। अभी हर आदमी को कुछ चाहिए पकड़ होल्ड ऑन टू। द प्रॉब्लम इज द बाइनरी विच हैज़ बीन क्रिएटेड राइट नाउ एंड पीपल हु आर अफ्रेड एंड हु आर टायर्ड ऑफ दिस एक्सट्रीम साइड्स, दोज पीपल आर लार्ज इन नंबर एंड दे आर टायर्ड and they don't want to take sides but they don't have anything to hold on to. Extremists ke paas kuch slogans hote hain, har extreme ke paas kuch slogan hota hai, to us slogan ke paas se judna mass ka aasan hota hai, us slogan se jud jata hai bagair usko soche samjhe. Jo baki log hain jo nahi aana chahte hain, jo thoda jo ready nahi hain, unko nahi jana hai extreme mein, so they don't have anything to hold on to. तो गांधी जी के उस टेक्स्ट में मुझे दिख नहीं रहा था कि मैं क्या पकड़ाऊंगा लोगों को। गांधी जी तो कह रहे हैं कि भाई आदमी और गाय के लिए आप आदमी मार दोगे क्या? अब ये आर्ग्यूमेंट आज के हिसाब से ठीक नहीं है। इस आर्ग्यूमेंट से मैं किसको क्या दे दूंगा? सो आई डोंट हैव एनफ टू कम्युनिकेट टू द ऑडियंस एंड आई एम लुकिंग डेफिनेटली यू नो वंडरिंग टू लुकिंग फॉर द टेक्स्ट. But there was time where when you know Vijay Anand and Kiasif or Gurudar. Sure, that time passed away in the 70s. Yeah, it was relevant and they were trying to reflect or keeping alive the romanticism of nation and the way that the songs were written, you know, with the kind of philosophy, a cabaret song, uske jo lyrics hain. सॉन्ग कैबरे है, हेलन नाच रही हैं, आगे भी जाने ना तू पीछे भी जाने ना तू,
जो भी है बस यही एक पल है. यू नो सो दैट आई होप दैट इट विल कम बैक. आई होप पीपल विल यू नो देयर इज लॉट ऑफ there's a lot to tell people. There's a lot of stuff which is going inside, and sharing is something which is up. It's your basic need when there's something to share. People like those kind of people will come and they will share if they have something to share. The problem is people don't have anything to share. They want film. They copy film from film. कि यार वैसी कहानी जो है वो cinema का copy होता है. Life कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है. व्हेन देयर इज ऑलवेज कुछ कुछ गॉडफादर जैसी कुछ बना. आई एम रियली सरप्राइज्ड व्हेन आजकल लोग बोलते हैं कि नार्कोस जैसी सीरीज बनाए. अरे नार्कोस जैसे इतने सब्जेक्ट हमारे यहाँ हैं तो नार्कोस को आना की जरूरत थी क्या आपको बनाने के लिए. सो एंड वी आर फुल ऑफ स्टोरीज, वी आर फुल ऑफ कैरेक्टर, वी आर फुल ऑफ सो मच ऑफ मटीरियल लाइंग देयर. इट्स जस्ट दैट यू नो वी डोंट हैव पीपल हु कैन यू नो. In fact, Mr. Ray wrote this in his book, Our Films, Their Films, about 50 years ago. That it's astounding that in a country which has inspired so many painters, sculptors, musicians, singers, poets, playwrights, should be so utterly starved of imagination when it comes to screenplay writing.